आपकी डोमेन को अगर आपकी ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ होस्टिंगर की डोमेन को। होस्टिंगर पे आपकी डोमेन है तो उस डोमेन को कैसे आपकी जो नई डैशबोर्ड आई है, जो कि ब्लॉगर की नई डैशबोर्ड है, उसके अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हो वेरी इजीली। तो सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और वेरी इजी वे में मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। हम लोग आज कनेक्ट करने वाले हैं हमारे जो ब्लॉगर के साथ ये होस्टिंग की होस्टिंगर पे जो अभी डोमेन है। ओके तो उसके लिए हम लोग चलेंगे हमारी होस्टिंगर पे। ओके यहाँ पे मैंने एक डोमेन अब बहुत दिन से खरीदा था तो सोचा कि ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर लूँ। ओके तो यहाँ पे ये देखो ये सिक्योर पासवर्ड डॉट एक्स वाई जेड करके एक मेरे पास डोमेन पड़ी हुई है। तो उसके साथ ही मैं ये जो ब्लॉगर को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो इस ब्लॉगर के अंदर बेसिकली एक टूल है जो कि है पासवर्ड जनरेटर टूल। तो अगर चाहो आप, अगर आपकी डिमांड हो तो ये टूल की जो कोड है मैं आपको दे सकता हूँ। ओके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो अगर आपको चाहिए तो। ओके तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे सेटिंग के अंदर। जैसे ही सेटिंग के अंदर चलेंगे हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमें, जैसे ही थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी जो डोमेन की नेम यहाँ पे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको www. ऐड करना है और पेस्ट करना है आपकी डोमेन को। ओके ध्यान दो, ये स्पेस नहीं रहना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे आप ऐड करते हो आपकी डोमेन को, सिंपल चीज़ें सेव के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये जो सी नेम को आपकी होस्टिंगर पर ऐड करना है। तो आपको DNS जोन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही DNS जोन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको आपकी जो है ना ये जो सारी की सारी रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है आपको आपकी DNS के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आपको इस तरह की एक पेज देखने को मिल जाएगी। अगर आप ये जो सारी की सारी चीज़ें को अगर डिलीट करना चाहो तो बेसिकली इसे डिलीट भी कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ को अभी रिमूव कर रहा हूँ। ओके अगर आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। ओके और एक चीज़ रह गया यहाँ पे, इसे भी मैं रिमूव ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर ये दोनों को रिमूव करना चाहो तो भी कर सकते हो, और यहाँ पे इसे भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर प्रेस करना है। जैसे आप एडिट के ऊपर प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो है ना इसे हटा के ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करते हो ये सेव हो गया, और एक आपको चीज़ यहाँ पे ऐड करना है जो कि फिर से यहाँ पे आप आओगे और नेम सर्वर के अंदर यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है ना कॉपी करना है। ओके यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करना है और इसके अंदर आपको ऐड करना है जो कि होस्ट के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी की पूरी कॉपी करके यहाँ पे लाके पॉइंट टू के अंदर पेस्ट करके उसे सेव करना है आपको। तो जैसे ही सेव करोगे ना हमारे जो DNS सेटिंग जो है ना ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ही कंप्लीट होने के बाद आपको सेव के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हुए डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे हम लोग का जो भी था blogspot.com था, यहाँ पे हम लोग को हमारी जो डोमेन नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके तो इस तरह आप आपकी साइट के अंदर आपकी होस्टिंगर की जो डोमेन है यहाँ पे आपको ब्लॉगर के अंदर डालना हो तो इस तरह से आप डाल सकते हो। यहाँ पे रिडायरेक्शन डोमेन www.secure-password.xyz के ऊपर क्लिक करो, और https के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद फिर से आप यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करते हो यहाँ पे आपकी जो कनेक्शन है वो सिक्योर तो हो जाएगी, बट ये कुछ टाइम लेगा जो कि आपकी डोमेन के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। ओके बहुत 10-15 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा नहीं तो 12 आवर भी लग सकता है। ओके तो इस तरह आप जो है ना आपकी होस्टिंगर की डोमेन को यहाँ पे आप ला के आप ऐड कर सकते हो वेरी इजीली। ओके